कोरोना टेस्ट के बाद यदि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो आपको अब आसानी से नेगेटिव रिपोर्ट के बारे में जानकारी आपके मोबाइल और लैपटॉप पर मिल पाएगी। यमुनानगर के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए civilsurgeonyna.com के नाम से एक वेबसाइट तैयार की है, जिसे DC मुकुल कुमार ने आज लॉन्च किया। इस वेबसाइट पर SRF नंबर डालने से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाएगी। वहीं अगर रिपोर्ट पेंडिंग दिखाई देती है तो पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो वेबसाइट के पेज पर सिविल अस्पताल के नंबर से संपर्क करके मिल जाएगी। आज हमने आमजन की सहूलियत के लिए एक पोर्टल वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कोविड जो उसका टेस्ट हुआ है उसके स्टेटस के बारे में पता कर सकता है। इस वेबसाइट होगी ये civilsurgeonyna.com पे होगी, उस पर जाके फीड यही इसका लिंक हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी लिंक कर रखा है हमारे कोविड पेज से, तो उसमें SRF नंबर फीड करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो नेगेटिव का स्टेटस है वो आ जाएगा, और अगर उसकी पेंडिंग है या पॉजिटिव है वो पेंडिंग के बारे में उसी वक्त कंसर्नड जो डॉक्टर हमारे होंगे सिविल हॉस्पिटल वहाँ से कन्फर्म कर सकता है और हमारे हेल्पलाइन नंबर से वहाँ से पता कर सकता है। ये बहुत दिनों से ये मांग आ रही थी कि लोगों को दिक्कत आ रही थी कि उनको टाइमली नेगेटिव रिपोर्ट्स का पता नहीं चल पा रहा था, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्जन ऑफिस ने मिलकर एक ये पोर्टल लॉन्च किया है जिसके अंदर SRF नंबर फीड करने के बाद स्टेटस पता चल जाता है। देखिए, हमने जिला उपायुक्त के दिशा निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने एक वेबसाइट तैयार की है, जिसमें स्पेशल एम्फेसिस इस बात पर रखा है कि जो कोविड से रिलेटेड जिन लोगों की रिपोर्ट्स आती थी वो काफ़ी बहुतायत में ऐसे लोग होते थे जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट्स आती थी और उसके लिए उनको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे या बार बार फ़ोन पर संपर्क करना पड़ता था और वो परेशान रहते थे कि मेरी रिपोर्ट का स्टेटस क्या है। कई बार रिपोर्ट डिले भी हो जाती थी और वो हम हालांकि पेस्ट भी करते थे लेकिन उसके बाद भी सभी लोगों को देखने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ता था, तो उसी में एक कड़ी हमने बनाई है कि हमने अब इस सभी को सिविल सर्जन की जो नई वेबसाइट हमने शुरू की है जो अभी बन रही है पूरी, लेकिन उसके ऊपर हमने ये पेज सबसे पहले शुरू कर दिया है कि कोई भी आदमी अगर अपनी SRF डालेगा तो वो यदि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ पे पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी और उसको वो प्रिंट भी कर सकता है, सेव भी कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। तो इस तरह से जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आती थी, जो हमारा बहुतायत में अभी तक 90% जो रिपोर्ट है हमारी अभी तक जो हम भेज रहे हैं सैंपल उनकी पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही हैं, तो वो सभी लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, वो अपने मोबाइल पर भी और अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर भी इसको डाउनलोड कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उनको जरूरत है तो उसको प्रिंट भी वहीं से ले लेंगे। यदि किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है या उसकी रिपोर्ट नहीं आई है तो उसी लिंक पर उनको एक मैसेज आ जाएगा जहाँ पे उसका संपर्क सूत्र लिखा हुआ, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ, जिस पर वो संपर्क कर सकता है, जहाँ पे उसको सूचना मिल जाएगी कि या उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट्स तो कोई भी ऐसी नहीं है जो सीधे के सीधे सिविल अस्पताल जो हॉस्पिटल के रडार पर नहीं आती, उनका पता लग जाता है तुरंत ही और उनको संपर्क भी हो जाता है। ये ज़्यादा इश्यूज़ आते थे नेगेटिव रिपोर्ट्स के, जो काफ़ी जिससे काफ़ी लोगों को परेशान होती थी, उसको दूर करने के लिए आज उपायुक्त महोदय के द्वारा ये लॉन्च की गई है और इस पर स्पेशल फोकस जो है वो सिर्फ कोविड की रिपोर्ट्स को लेकर है। धीरे धीरे हम इसी वेबसाइट में जो स्वास्थ्य विभाग की सभी जानकारियाँ हैं उनको भी उपलब्ध कराएंगे और ये अभी और इसको और मॉडिफाई किया जाएगा। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, YES TV। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए YES TV।